ये तुम जैसे लोग होते हैं जो जिंदगी के हसीन रिश्तों को भी बदनाम करने से बाज नहीं आते। मरना चाहिए तुम्हें, ले जाओ इसको। अभी हम इसे थाने लेकर जा रहे हैं, सुबह तक इसकी अच्छी खासी मरम्मत करेंगे। आप लोग सुबह थाने आ जाइएगा। लेके चलो। मेरी वानिया को मुझसे जल्द से जल्द मिला। सर बहुत मारा है आपने दोनों को, मरी ना जाएं। भाई मरी ना जाएं कहीं ये, और वैसे भी इन जैसे वैश्यों का मर जाना ही बेहतर होता है। देखा नहीं था वो सहमी भी बच्ची? पहले जालिमों ने उन्हें अगवा कर लिया, फिर वैश्यों की तरह उसे ढूंढते और भगाते रहे। सही बात है सर। कल इतवार है, अब परसों सरकारी छुट्टी है, इन दो दिनों में इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उन्होंने क्या किया। बिल्कुल सर, आगे क्या करना है सर? कल शर्मा के लिए रिपोर्ट लिखवाने आएंगे, तुम मुझसे पूछ लेना, दफात में खुद लिखवाऊंगा। सर्विस सही गलत करते गुजर जाती है, आज अच्छाई का मौका मिला है। इस बात को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा यार। मुस्तकीम से कहो कि चाय भिजवाएंगे। जाओ चाय तो बुलवाओ। ओके सर। बस अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी वानिया हमारे पास है। ये शुक्राने के आंसू हैं सरमत, ये भी उसके बारगाह में पेश करना बहुत जरूरी होते हैं। शुक्र है कि वानिया हमें से इस्लामत वापस मिल गई। मुझे उबैस से इस हद तक जाने की तवक्को नहीं थी। मुझे जब पता चला था कि उबैद हमारी शादी के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखता, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपने होने दिया ये सब? मारा जुर्म से पहले सजा नहीं। लेकिन आपको अंदाजा कैसे हुआ? वो तो पढ़ा लिखा मेरी खानदान का फर्द है। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जबान दिल की दुकान है, उसी से अंदाजा आता है कि जबान या तो शेरी या जहर उगलती है। उसी से अंदाजा आता है कि उस दुकान में कितना जख्म है। जो इंसान दूसरों के ऐप ढूंढे और उसे बढ़ा चाह कर बयान करे तो दिलों में नफरत पैदा करे, जिसको अपनी जबान पे अख्तियार ही ना हो उससे कैसे किसी खैर की तवक्को की जा सकती है। आप ठीक कह रहे, हमें भी यही कहती है। चोरी, डाके और जराइम की सजा इंसान ने खुद बना के रखी। सरमत, मुझे समझ में नहीं आता कि झूठ, फरेब, हैब जोई, बदखोई की कोई सजा क्यों नहीं है। मायरा एक अदालत ऊपर वाले के लिए, जिसकी पकड़ से बचना नामुमकिन है। जिस गुनाह की सजा इंसान मुतय्यन नहीं कर पाया ना, उसकी सजा वो देता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी वानिया सही सलामत घर आ गई। बस
यही काफी है। अम्मी पानी, आपको क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की? क्यों ना जाती मैं? तो गई भी और खरी खरी सुना के आई उसे। उसकी माँ का भी फोन आया था। और वो क्या कहती हैं? कहती बच्चा है, माफ कर दे, गलती हो गई। मैंने कहा गलतियां बच्चों की माफ की जाती हैं, गुना नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब सड़ेगा ना चंद बरस जेल में, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मुन्नी का मामला होता तो हम माफ भी कर देते, लेकिन वानिया के मामले में कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अच्छा बताओ, वो जो वानिया की माँ ने केस किया हुआ है उसका क्या बना? उसका भी नोटिस आया हुआ है और ये परेशानी भी मुझे खाए जा रही है। फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे अम्मी ऐसे ही हो इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ प्लीज, मेरा तो सर फटा जा रहा है। तुम बना दो, मैं कमरे में लेटती हूँ जरा। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ यार, लाइफ इज जस्ट गेटिंग बिटर बाय द डे। बहुत मुश्किल हो गया मेरा यार रहने। हाँ ठीक है, मैं लगाऊंगी तुम्हारी तरफ से पर वी टेक केयर। अजलान जी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बहुत अजीब सा लग रहा है, एक माँ होते हुए मैं ये सब कुछ तुम्हें पता है? मनाहिल शादी के लिए फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्यों? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, एक माँ को ये सब बातें बताते हुए बहुत मायूब सा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। दरअसल अमेरिका में मनाहिल का बॉयफ्रेंड है और उसका नाम एलेक्स है, तुम्हें तो पता है अमेरिका में ये सब बातें आम सी हैं, वहां पर बिल्कुल भी इस चीज को बुरा नहीं मनाते। यही वजह है कि मनाहिल अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है शादी करने के लिए, और ना ही वो शाहनवाज को जवाब दे सकती है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही शादी से इनकार कर दो। आपने अच्छा किया मुझे बताती है, मैं डैड से खुद ही बात कर लेता हूँ। वैसे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? मैं तुमसे बहुत सी बातें छुपाई। किसकी बात कर रही हो? कुछ जानता हूँ तुम्हारे दिल की बात। तो मेरे दिल की बातें जानते हो? कुछ जानता हूँ। एलेक्स। एलेक्स क्या? एलेक्स तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे साथ अमेरिका में था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
मुझे पता है कि मैं अमेरिका में पली बड़ी हूँ, बट आई नो माय लिमिट्स नाउ। और ये एलेक्स है कौन? अज़लान, आई नो कि तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम मेरे कैरेक्टर पे कोई भी अटैक। अच्छा, I'm sorry. शायद मेरी इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा, अब तुम नाराज रहोगे मुझसे। देखो, मुझे लड़कियों को मनाना नहीं आता। अगर तुम खुद मान जाओगी तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। क्या याद करो? थैंक्स। मैं भी अपना बैग लेके आऊं। क्यों, लंच तुम करवाओगे? मनाया तुमने तो लंच कौन करवाएगा? अभी आए। अमेरिका में मनाहिल का बॉयफ्रेंड है और उसका नाम एलेक्स है। ओ वकील साहब, जितनी फीस लेनी है ले लो, सरमद से वानिया को दूर करना मेरी जिद है। मुझ जैसे बाइज्जत बंदे को थाना कचहरियां दिखाए और मैं उसे माफ कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक दो पेशियों में वानिया मेरे घर हो, आई समझ? देखा, मैं कहती थी ना वानिया आपको पसंद आएगी, अब कुछ ही दिनों में हमारे साथ रहने भी लगेगी। पसंद तो मुझे वो आ ही नहीं सकती। वो सरमद अली का खून है, पहले से ज्यादा नफरत हो गई है मुझे वानिया से। तो अभी तो आपने फोन में कहा, एक तो सरमद अली तुम्हारा पहला शौहर, दूसरा वानिया के अगवा में मुझ पे शक। अब तो मैं सरमद से वानिया छीन कर ही दम लूंगा, उसने मेरी ताकत अभी देखी नहीं। हिमायत जी, चाय। क्या कहा आपने? चाय नहीं, चाय से पहले क्या कहा था? हिमायत जी, जी अल्लाह बख्शे, मारूफ की अम्मा भी मुझे इसी तरह बुलाती थी। हिमायत जी, अगर आप भी इसी तरह मेरी हिमायत जारी रखें तो मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। साजी,
ऐसे मुरज एहो जे ख्वाब लगता है मेरी कोई नेकी काम आ गई दादा तिरकिदा करके हिमाच जी 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 और अगर हम इसे जागते में देखें तो ताबीर के बिना जिंदगी बेमायने लगती है। ये जुमला मैं पहले भी सुन चुका हूँ। शादी से पहले तुमने ही बोला था। इसे कहने के लिए सूरत पर गई वापस। अच्छा सुने अजलान। ओह अथिया कैसी हो? कोई काम है? हाँ ये फाइल ये चाहिए थी मुझे। ओह सॉरी। बट ठीक है ठीक ठीक है लीव इट लीव इट। क्या मुझे अजान को जाने और चले जाने का हक है? बिल्कुल है तो क्यों ना एक सौदा कर। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। बताइए अगर मैं कहूँ कि अजान की जिंदगी से जाने की कोई कीमत? कीमत? बाप के इस वसी दिल की क्या कीमत होगी? हम आर्टिस्ट लोग दिल के बदले कीमत वसूल नहीं करते, जिंदगी पर रियासत करते, खच्चे सुर नहीं लगाते। आप जो सौदेबाजी कर रहे हैं आप ऐसे हैं। देखिए आप बहुत प्यारी हैं, आपको बहुत चाहा जा सकता है।